मशहूर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बहन का रोल निभाने वाली दिशा वकानी को हर कोई जानता है। शो में उनकी गैर मौजूदगी से फैंस हो चुके हैं काफी निराश। जबकि मार्च के अंतिम हफ्ते में दिशा ने शो में किया था कमबैक, लेकिन अब वो फिर से शो से हो चुकी है गायब। लेकिन इसके पीछे आखिर क्या है वजह, तो चलिए जानते हैं। खबर के मुताबिक शो की टीम इस टीवी एक्ट्रेस की री एंट्री की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन फिलहाल दिशा वापसी के मूड में नहीं। वो कुछ और महीने अपनी बच्ची की देखरेख करना चाहती है। बता दें कि दिशा पिछले साल दिसंबर के समय मैटरनिटी लीव पर गई थी। 30 नवंबर को उन्होंने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद खबरें आई कि वो कभी शो में वापसी नहीं करेंगी, पर उन्होंने कमबैक किया, लेकिन थोड़े समय के लिए। वही सूत्र बताते हैं कि वापसी के बाद उन्होंने मेकर्स को बेटी का हवाला देकर लीव को आगे बढ़ाने को कहा। तो चलिए अब आप भी बताइए, क्या दया बेन को देखने के लिए आप भी एक्साइटेड हैं? छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान भले ही आजकल सीरियलों से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी आज भी किसी टॉप एक्ट्रेस से कम नहीं। जबकि हिना खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। देखा जाए तो ये वीडियो क्लिप गोल्ड अवार्ड्स का है, जिसमें हिना खान ने नकुल मेहता के साथ स्टेज पर डांस किया। दरअसल बता दी कि गोल्ड अवार्ड्स में हिना खान को मोस्ट स्टाइलिश दीवा 2018 के टाइटल से सम्मानित किया गया। वहीं नकुल मेहता ने जब हिना खान को स्टेज पर बुलाया तो फिल्म मेरे जीवन साथी का गाना आओ ना गले लगाओ ना बजने लगा। वहीं नकुल मेहता और हिना खान ने इस गाने पर डांस किया। नकुल को हिना खान के साथ इस गाने पर डांस करते देख उनकी पत्नी जानकी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वहीं हिना खान को नकुल के साथ डांस करता देख रॉकी जायसवाल भी थोड़े से जेलस हो गए। वैसे इनकी डांस की बात की जाए तो दोनों ने बेहद ही हॉट परफॉर्मेंस दी। वैसे हिना खान और नकुल मेहता का ये हॉट डांस देख कर हर कोई दंग रह गया। तो चलिए अब आप भी बताइए, हिना खान का ये हॉट डांस आपको कैसे लगा? आए दिन कोई न कोई टीवी स्टार एक्ट्रेस अपनी बिकनी तस्वीरों के कारण चर्चा में बनी रहती है। जबकि कई स्टार इन दिनों वेकेशन पर बिकनी तस्वीरें और बोल्ड वीडियो के कारण चर्चा में है। इस लिस्ट में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सारा खान की एंट्री भी हो गई। सारा खान ने बिकनी में अपनी बेहद ही हॉट तस्वीरें पोस्ट की, जो कि सोशल मीडिया पर हो चुकी है तेजी से वायरल। आपको बता दें कि इन दिनों सारा काफी सुर्खियां बटोर रही है। हाल ही में उनकी बहन आयरा खान ने नहाते हुए सारा की न्यूड तस्वीरों के साथ वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इस वीडियो को हटा दिया। हालांकि इस पर सफाई देते हुए सारा ने कहा था कि उनकी बहन ने शराब के नशे में ऐसा किया, शायद इस वजह से ऐसा गलती से हो गया, लेकिन तब तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर पहुँच चुका था। खैर, सारा खान का ये बिकनी हॉट लुक आपको कैसे लगा ये जरूर बताइए। ब्रेस्ट फीडिंग फोटोशूट की वजह से कुछ दिन पहले मलयालम एक्ट्रेस गिलू जोसेफ को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। यहां तक कि ये मामला केरला हाई कोर्ट में भी पहुंचा, जबकि हाई कोर्ट ने इस तस्वीर में किसी भी तरह की अश्लीलता की बात को दरकिनार कर दिया। अब इस मामले में टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी राय रखी। बता दें कि दिव्यांका ने इस कवर फोटो पर उठे विवाद को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान में दिव्यांका ने कहा कि मैं केरला कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी हूँ और इसके लिए कोर्ट का आभार भी व्यक्त करती हूँ। मैं गिलू जोसेफ की तारीफ भी करना चाहती हूँ। मैंने मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को हमेशा अपने बच्चों को पब्लिक में ब्रेस्ट फीड करवाने को लेकर परेशान होते देखा है, जबकि हमारे देश में सार्वजनिक स्थानों पर माओं को स्तनपान कराने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया। वही दिव्यांका ने आगे कहा कि माँ एक माँ है, अगर वो अपने भूखे बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना चाहती है तो इस बारे में कुछ भी अश्लील नहीं हो सकता। खैर, आपको बता दे कि गिलू जोसेफ की एक मैगजीन के कवर पेज पर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए तस्वीर छपी थी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा तो किसी ने अश्लीलता फैलाने की बात कही। इस शूट के जरिए गिलू ने मैसेज भी दिया था कि महिलाएं किसी भी जगह ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब आप ही बताइए, इस पर आपको क्या लगता है? आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हिंदी रश को सब्सक्राइब करिए।